الله أكبر الله أكبر. अल्फेज ट्रस्ट के अजीम शान प्रोजेक्ट के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये 230 साल पुराना पब अंडर क्लिफ के एरिया में ब्रेडफोर्ड के अंदर BD2 के अंदर वाक़ है और ये तारीखी पब है जिसके साथ काफ़ी ज़मीन भी मौजूद है जहां पे हम पर्पस बिल्ट इमारत तामीर कर सकते हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर करेंगे। 2020 के अंदर इस पब को अल्फेज ट्रस्ट ने ख़रीदा और उसके बाद लॉकडाउन की वजह से कुछ डिले हुआ। अब इसके अंदर रेनोवेशन का काम जारी है क्योंकि हमें इसका फ्लोर भी चेंज करना पड़ा। नमाजी फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे तो इस वजह से हमें कमर्शियल फ्लोर डालना पड़ा और इसकी दीवारें और इसकी विंडोज़ इसके दरवाज़े तकरीबन तमाम तर हमने इसको रेनोवेट कर दिया है और काफ़ी काम हो चुका है। काम आपके सामने है, आप देख रहे हैं कि हमारे बिल्डर्स काम कर रहे हैं। हमने तकरीबन 2.5 लाख पाउंड के अंदर इसको ख़रीदा और जो इस पर रेनोवेशन की कॉस्ट है वो तकरीबन 2 लाख है, जिसमें से 85,000 पाउंड हम खर्च कर चुके हैं और बाकी की रकम हमें उसकी ज़रूरत है और उसके लिए हम अपनी आवाम से अपील भी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये प्रोजेक्ट जिसके अंदर मस्जिद भी है, इस्लामिक सेंटर भी है और कम्युनिटी सेंटर भी है, ये प्रोजेक्ट इस कम्युनिटी के लिए बहुत बेनिफिट वाला साबित होगा और इसके साथ साथ हमारी यूथ जिस पर हमारा फोकस है, हम चाहते हैं कि उन्हें ना सिर्फ कुरान पाक की तालीम दी जाए बल्कि उन्हें कुरान पाक के मतालिब और मीनिंग भी समझाए जाएं और उसके साथ साथ जो अहम बात है कि यहाँ से इंग्लिश बोलने वाले वो उलमा तैयार हों जो कि मुस्लिम कम्युनिटी को सही तौर पर गाइड कर सकें और मुस्तकबिल के अंदर इस कम्युनिटी की बेहतरी के लिए काम कर सकें।